नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल श्री सत्या प्रोडक्शन पर। मेरा नाम अजय सिंह है और अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ दीपावली त्योहार की एक महत्वपूर्ण कहानी। दीपावली का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। मनुष्यों में जो सबसे अच्छे गुण होते हैं और प्रकृति ने सभी परिस्थितियों में हमें जो ताकत दी है, हमारे दिमाग की, हमारे मन की और हमारे शरीर की, उसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है, प्रभु श्री राम जी बहुत ही सरलता से निभाते थे। वो हर परिस्थिति में शांत थे और न्याय से उस परिस्थिति का हल करते थे। प्रभु श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य थे, जो किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं करते थे और ना ही अन्याय होने देते थे। प्रभु श्री राम जी एक ऐसे राजा थे जिनके राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को सबसे पहले रखा और अपने परिवार और अपनी निजी जिंदगी को बाद में। प्रभु श्री राम जी कभी क्रोध से काम नहीं करते, वह हमेशा शांत रहते। जो बोलते वो अच्छा बोलते, मनुष्य जाति और सभी जीव के हित में बोलते। इन सब गुणों से ही हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनको एक अवतार मानते हैं। हम प्रभु श्री राम जी का जितना वर्णन करें वो कम है। तो चलो जानते हैं दीपावली का यह त्योहार हम भारतीयों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारने के पश्चात माता सीता जी से मिले और सभी वानर सेना और सभी साथियों का धन्यवाद किया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वहां अयोध्या वासी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। इस खुशी में सभी अयोध्या वासियों और समस्त भारत में खुशियों के दीप जलाए और बहुत खुशियां मनाई और अपने घरों को सजाया। अब कोई डर नहीं होगा और एक सुंदर राज्य की स्थापना होगी। प्रभु श्री राम जी की वापसी से भारतवर्ष नहीं पूरा ब्रह्मांड झूम उठा था। तभी से राम राज्य की स्थापना हुई थी और एक खुशहाल भारतवर्ष राम राज्य हुआ था। तब से हम सब भारतीय लोग इस दिन को दीपावली का त्योहार के रूप में मनाते हैं, अपने घरों को सुंदर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सब पे बरसेगी और एक बार फिर राम राज्य का आगमन होगा। तो अब मैं आपको यह भी बताता हूँ कि इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा का क्या महत्व है। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो और हमारे घर में धन धान्य से भरपूर रहे, हमेशा हमारे घर में खुशियां बनी रहे। दीपावली का त्यौहार हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहिए, एक नए जोश के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, हमारे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है उसे शांत करना चाहिए, हमारे आसपास जो बहुत सारी खुशियां हैं उसे देखना चाहिए और जीना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, तो हैप्पी दीपावली, थैंक यू। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए एक शॉर्ट फिल्म लेके आ रहा हूँ जिसमें यह दिखाया है कि लालच कितना खतरनाक होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।